गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फिफ्थ द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। जिस प्लैनेट के अंदर हम रहते हैं अर्थ जो है उसके अंदर ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल था। द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल इज़ एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पालकीवाला पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। ये जो एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रूल है ये एक आर्टिकल था जो कि लिखा गया था नानी पालकीवाला ने, जो कि पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस 24 नवंबर 1994 में। इस चैप्टर के अंदर पालकीवाला डिस्कस इशू एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लीनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। इसमें उन्होंने इस उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है जिसके जो अर्थ है उन अर्थ जो है उसकी जो हेल्थ है, इट मीन्स ये बताया गया कि जो इन्वायरमेंट है अर्थ का वो डिक्लीन क्यों हो रहा है, डाउन क्यों जा रहा है। ही मेक्स मैंशन ऑफ द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड 25th ईयर्स एगो। और ये ग्रीन मूवमेंट जो था इसको 25th ईयर्स पहले यानी कि 25 साल पहले स्टार्ट किया गया था इन 1972 में। द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड 1972 में। संसार की सबसे पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो थी न्यूजीलैंड के अंदर फाउंड की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। ही पॉइंट्स आउट द पैराडिगम शिफ्ट इन परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड। वी हैव शिफ्टेड फ्राम द मैकेनिज्म व्यू टू ए होलिस्टिकल एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से हम जो अपने व्यूज़ हैं वो ये नहीं है कि सिर्फ हम एक बेसिक बात ही किए जा रहे हैं बल्कि एक पूरे बड़े लेवल पर इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देयर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट अर्थ इज़ ऑल्सो ए लिविंग बींग। यहाँ पर जो अर्थ है वो एक लिविंग बींग है, यानी कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। Which needs to be respected and preserved, जिसको कि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हम इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और इसको हमने प्रिजर्व भी रखना है। पालकीवाला कंपेयर्स अर्थ टू ए पेशेंट इन डिक्लीनिंग हेल्थ। पालकीवाला ने अर्थ का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है, एक ऐसे पेशेंट के साथ जिसकी जो हेल्थ है वो दिनों दिन डाउन हो रही है। मैन हैज़ नाउ बिगन टू रियलाइज हिज एथिकल ऑब्लिगेशन टू गुड केयर टेकर्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टलेस ऑफ द लीगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स। अब यहाँ पर जो मैं इंसान हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनके जो इथिलॉजिकल ऑब्लिगेशंस यानी कि नैतिकता के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं वो उनके प्लैनेट के प्रति, अर्थ के प्रति टूट रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि हमें अपनी पृथ्वी के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टलेस ऑफ द लीगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली जनरेशन को हम कैसी अर्थ देंगे। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले 1987 के अंदर वर्ल्ड कमीशन जो थी उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर दिया था। द आइडिया इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इन्होंने इस बात पर यहाँ पर डिस्कशन किया कि आज की जो डेवलपमेंट है वो वर्तमान की ज़रूरत है लेकिन हम उसके साथ बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उसके साथ हम इसका मिलान कैसे करेंगे। यानी अगर आज हम अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को हम कैसी अर्थ देंगे। पालकीवाला लिस्ट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ विच हाइटेंड अवेयरनेस हैज़ बीन क्रिएटेड अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न दैट आर डेटियोरेटिंग अवर इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो एफर्ट्स थे अलग अलग एजेंसीज़ ने अलग अलग देशों के साथ अपने डिस्कशन किया और उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में उन्होंने कंसर्न करवाया कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम सेव कैसे रख सकते हैं। ही मेक्स ए रेफरेंस टू लिस्टर आर ब्राउन हु हैज़ पॉइंटेड आउट दैट अर्थ हैज़ 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पर जो लिस्टर आर ब्राउन थे उन्होंने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम जो थे उसके 4 पॉइंट्स पर इन्होंने पॉइंट आउट किया। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। यहाँ पर पानी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे रहना चाहिए, जंगलों के अंदर जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं, यहाँ पर जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। और इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो ह्यूमन बींग ही है क्योंकि उन्होंने अपने यूज़ के लिए इन सभी सिस्टम्स को क्या कर रखा है, इम्बेलेंस कर रखा है। एज ए रिजल्ट वी हैव रीच्ड ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बींग डिस्ट्रॉयड एट एन अलार्मिंग रेट ड्यू टू विच सेवरल स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पर जो हमारी फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, वो ऐसी अलार्मिंग कंडीशन तक डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं कि यहाँ पर जो कुछ ऐसी स्पाइसेस हैं, वो स्पीसीज हैं वो कि एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, यानी कि गायब हो चुकी हैं, वो लापता हो चुकी हैं। द कॉस्ट ऑफ वायरवुड हैज़ स्काई रॉक इन सम प्लेसेज दैट इट हैज़ बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव देन फूड। अब जो लकड़ी है उसकी भी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा ऊंची हो चुकी है कि वो खाने से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजंस फॉर द एज ए रिजल्ट वी हैव रीच्ड ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिव इज बींग इम्पेयर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बींग डिस्ट्रॉयड एट एन अलार्मिंग रेट ड्यू टू विच सेवरल स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनकी ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि जिसके अंदर जो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि गायब हो चुकी हैं। द कॉस्ट ऑफ फायरवुड है स्काई रॉक इन सम प्लेसेज। जो फायरवुड की कॉस्ट है उसकी भी जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। दैट इट हैज़ बिकम एयर मोर एक्सपेंसिव दैन फूड की वो खाने से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन आर्टिकल 48A। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 48 के अंदर हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा दिया गया है। द ऑथर लेमेंट्स दैट इन इंडिया लॉज आर नाइदर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड। द मैसिव रेट ऑफ ग्रोथ इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनदर मेजर कंसर्न। इससे पहले ये अब नेक्स्ट ये है कि हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये सबसे बड़ा जो टॉपिक बन चुका है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन इंक्रीज प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम होते जाएंगे क्योंकि उनको भी रिसोर्सेज उतने ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स एंड मोर इनकम, रेदर इट मीन्स मोर पीपल विदाउट वर्क। यानी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा उनको काम चाहिए, उतने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होनी चाहिए, बजाय इसके कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिना काम के रहेंगे, बेरोज़गारी होगी। द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ये है, डेवलपमेंट विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड राइज इन इनकम्स रेट ऑफ फर्टिलिटी विल डिक्लाइन। विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और इस ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, सिर्फ शिक्षा के द्वारा, और इससे ही हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है और ये इस जो रेट ऑफ फर्टिलिटी विल डिक्लाइन, क्योंकि जो इसकी फर्टिलिटी की जो रेट है वो कम हो रही है। इन द वेक ऑफ द प्रेजेंट सेंसेरियो द ट्रांसेंडिंग कंसर्न इज द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। अब सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हम सिर्फ जीवित रह रहे हैं बल्कि हमारा जो प्लैनेट है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। द एमेजिंग न्यू इकोलॉजिकल व्यू हैज़ अशर्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच फोकस ऑन द अवेयरनेस ऑफ अवर रोल इन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम लेज इम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पालकीवाला सेज दैट इंडस्ट्रीज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पालकीवाला सेज दैट इंडस्ट्री मस्ट ज्वाइन द कॉज एंड बिकम इको फ्रेंडली इन ए सिमिलर फैशन एज डू बॉन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर ईगर एस वुलर्ड। ही कॉल्स मार्गरेट थैचर टू रिमाइंड अस दैट। अब इसके अंदर इन द वेक ऑफ द प्रेजेंट, अगर वर्तमान के अंदर हम ये सोचते हैं कि जो सर्वाइवल है वो ही लोगों के लिए काफ़ी नहीं है बल्कि प्लेनेट को रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो नई न्यू इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी हमारा हमारी आज के इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के टाइम की हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए जिसके अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, और सेम टाइम यही बात है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो भी हो। पालकीवाला भी इसी बात को लेकर कहते हैं कि जो इंडस्ट्री मस्ट ज्वाइन द कॉज, कि जो अगर हम इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी इसका मेन रीज़न है कि इको फ्रेंडली नहीं है, हमें उसको इको फ्रेंडली बनाना है। वी आर टीनेंट्स ऑफ द अर्थ एंड वी नीड टू कीप इट रिपेयर्ड एंड वेल मेंटेन फॉर द जनरेशंस टू फॉलो। हमें अपनी अर्थ का ध्यान रखना है ताकि हम इसको मेंटेन करके रखें, रिपेयर करके रखें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको हम ऐसे ही अर्थ दे पाएँ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।